गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हनी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए रेडी हो चुकी हूँ ड्यूटी के लिए। आज मीटिंग है तो थोड़े देर से ही जा रही हूँ। और घर की साफ सफाई हो चुकी है, ब्रेकफास्ट भी मेरा हो चुका है। प्रीतम स्कूल तो चला गया कब का, तो चलिए अभी निकलते हैं। तो जी भूल गई थी, दूध वाला आएगा ना, तो उसके लिए ये रेडी करके के चली जाती हूँ, चला जाएगा। और कपड़े प्रीतम के और मेरे जो थे सब धो लिया है, ताला लगाना है। और क्या जी, प्रीतम के पापा के पास एक चाबी है, मैं ये चाबी लेकर चली जाऊंगी। घर की सफाई तो बोला हो ही चुकी है, तो और अभी कुछ काम नहीं। लंच में क्या बनेगा, क्या बनाएंगे वही जानते हैं। मुझे तो आना लेट होगा, जब आऊंगी तब उनका हाथ बटाऊंगी, जब वापस आऊंगी। कब आऊंगी पता नहीं, मीटिंग के दिन बहुत लेट होते हैं हम। तो जी चलो चाबी लगाती हूँ पहले। तो जी रोज की कहानी, ये देखो रेलवे फाटक पर हम रुके हुए हैं, ट्रेन जा रही है, फिर हम निकलेंगे। और आज गर्मी उतनी नहीं है, उतना खराब नहीं लग रहा है। चलो चलते हैं फिर से। तो जी ड्यूटी पहुंच गई हूँ, और ये क्या कर रही हूँ, ड्यूटी है, मीटिंग चल रही है, लेकिन उसी बीच ब्रेक लेने आ गए हम थोड़ी देर के लिए पानी पीने। और ये देखो इसी बहाने कुछ फल खा रहे हैं, पेड़ से गिरे हुए फल, जिसका मज़ा कुछ अलग लेवल का होता है ना। बाजार से खरीदा हुआ और पेड़ से अभी अभी पक्के फल गिरे हुए हैं, उसका मज़ा एकदम अलग होता है, ऐसे उठा उठा कर खाना। अभी इनको धोएंगे, कुछ पक्के मिले कुछ कच्चे मिले, कच्चे घर लेकर जाऊंगी। चावल के बाल्टी में रख दो तो पक जाते हैं, और पक्के यहीं पर धोकर खा लूँगी। ये फल बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठे। प्रीतम के पापा हर साल इस समय जब ये फल उगता है तो लाकर देते हैं, और मैं तो बहुत चाव से खाती हूँ। और माँ बेटे में लड़ाई हो जाती है कभी कभी, कौन ज़्यादा खाया कौन कम खाया। तो चलो धो लेते हैं फिर खाएंगे। तो जैसे केंद बोलते हैं, केंद फल, केंद बोलते हैं, कोई केंद बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और मेरे पतिदेव हर साल मुझे लाकर देते हैं, कहीं ना कहीं से जाते हैं साइड, तो कहीं ना कहीं से मिलता है तो लाकर देते हैं। आज तो मुझे ही मिल गया, धो लेती हूँ अच्छे से फिर खा लेती हूँ, क्योंकि ये बैग में कैसे लेकर जाऊँ, सब खराब हो जाएगा है ना। और पैकेट तो लेकर नहीं आई हूँ, ऐसे पैकेट रहता है एक, आज ही नहीं है, तो यहीं पर खा लेती हूँ। ऐसे तोड़ के बीज में से ये बीज निकलता है, बीज को फेंक दो। अंदर का नरम हिस्सा खा लो, और ये छिलका भी फेंक दो। इतना मीठा, सचमुच बहुत ज्यादा मीठा। सोचा नहीं था मिल जाएगा, मुझे बहुत पसंद है। तो जी मीटिंग खत्म, अभी भी कुछ है उनका हुआ नहीं, मेरा हो चुका है। चलो अभी घर की तरफ, घर में बहुत सारे काम है, बहुत सारे, पहुंचने में ही तो एक डेढ़ घंटा लग जाएगा, क्या मिलता है देखते हैं। चलिए
तो जी बस भी मिल गई और सीट भी। अभी आराम से सोते सोते मैं घर पहुंच जाऊंगी। बस में उठते ही मुझे ना थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है, एक घंटा पक्का लगता है। तो आप बोर हो जाते हो, इससे बेहतर है सो जाओ। तो घर जाकर बहुत एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो चलिए, तो जी घर पहुंच गई, लेकिन आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो गाना सुन रहे हैं, गाना सुनते सुनते खाना बना रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, वॉइस ओवर ही देना पड़ा। ये देखो, ये है कुंदरी भाजी, चूरे कुंदरी भाजी। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यार करता है कुंदरी भाजी से। हुआ जी, प्यार करता है, इतना पसंद है उसे। और ये दाल, ये है शायद कद्दू का साग और दाल मिला के दाल बनाया है। क्या क्या करते हैं, मसूर की दाल है। और ये साग बन चुके हैं, साग भाजी बन चुके हैं। और क्या बनाएंगे देखते हैं, सारा दिन बनाते रहे और मैं खाती रहूँ। सिर्फ मतलब वो बनाते हैं, मैं खाती हूँ, ये तो नहीं होगा ना जी। ये देखो बर्तन कितने हुए हैं, पहाड़ जैसे बर्तन किए हैं। और ये जब खाना बनाते हैं वैसा ही करते हैं, बर्तन लगाते जाते हैं और बेसिन के ऊपर रखते जाते हैं। और मैं क्या करती हूँ, खाना बनाते बनाते ही बर्तन एक एक करके धो लेती हूँ, तो लास्ट में कुछ बचता ही नहीं। सिर्फ जिस मतलब कढ़ाई में या जहाँ पर मैं रखूँ जिसमें, वो वाला रहता है और चावल का हांडी बस। और खाना परोस लो थाली में, वही बर्तन होते हैं धोने के लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड जी, बाप रे बाप, इतने बर्तन करते हैं, इससे तो बेहतर है मैं ही खाना बना लूँ। लेकिन वो तो बनाने नहीं देंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब मतलब टेस्ट के हिसाब से बनाएंगे। अभी दाल को लगाया जाएगा तड़का। प्याज कितना डाले हैं, बाप रे, जो मर्जी करे अभी खाना जल्दी बन जाए क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है और हॉस्पिटल खाना भेजना है। ये देखो खाना बनाने का तरीका, देखो क्या किया। हाँ, अभी इसे साफ करने में आधा घंटा चला जाएगा मेरा, सोचते भी नहीं। छौंका ऐसे लगाना होता है, हाँ ठीक है, तभी अच्छा लगता है। चारों तरफ छिड़के तब ना छौंका लगाना। छोटी वाली कढ़ाई लिया है इसलिए ज़्यादा छिड़क गया। तो जी ये खाना बना रहे और मैं कर रही हूँ, खाना शुरू कर दिया है। मछली फ्राई रहा नहीं गया, गरम गरम मछली फ्राई करना मुझे इतना अच्छा लगता है। और दोनों बातें भी कर रहे हैं, गप्पे भी लड़ा रहे हैं और मैं हेल्प करने के लिए हाजिर हूँ। क्या करें, जल्दी जल्दी तैयारी भी तो करनी है ना। तो जी ये देखिए मछली करी लगभग बनी चुकी है, बना के रेस्ट करने चले गए। अब मुझे पूरा किचन समेटना है, साफ करना है, बाहर भी साफ करना है। क्या कर रहे हो? ओ वो क्या बना, अलग सब्जी? तो जी मसाले पीसने आ गई हूँ और एक सब्जी बनेगी, झींगा आलू पोस्तो, मैंने पॉपी सीड के साथ झींगा आलू की सब्जी। तो पॉपी सीड तो इतना सा लगता है, सिलबट्टे पे ही पीसना ज़्यादा अच्छा होता है। और मिक्सी में घूमता ही जाएगा, ठीक से पीसा भी नहीं जाएगा, ख़राब भी होगा, इतना महंगा है पॉपी सीड। और हवा चल रही है, देखो तूफान की तरह हवा चल रही है, बादल आ भी रहे हैं लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। हमारे यहाँ पर ये हो रहा है, बादल आ रहे हैं और भाग जा रहे हैं तूफान से, मतलब जोर की हवा से, हवा की मतलब तूफानी हवा होता है। ऐसे नॉर्मल हवा होती तो बात अलग थी, तो भाग रहे हैं बादल, पता नहीं कब बारिश होगी, उसी के आस में हम जी रहे हैं। ऐसे नॉर्मल वेदर ठीक है क्योंकि आसपास बारिश हो रही है तो ठंडी हवा आ जाती है, प्रॉब्लम इतना नहीं है। लेकिन कुएं का पानी प्रॉब्लम कर रहा है, नीचे चला गया है, तो ज़रूरी है बारिश होना, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो चलिए मसाले पीस के अंदर जाती हूँ, हस्बैंड जी को दे देती हूँ। तो और एक सब्जी ऐड हो गया, मतलब इतना सारा खाना बनाया जैसे कोई मतलब क्या बोलूँ, कुछ है घर पे फंक्शन वगैरह कुछ है, इतना सारा खाना दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए, तो जी चलिए सब रेडी कर लिया है,
झींगा आलू पोस्त। और ये साग पहले देखा, ये बच्चे के लिए, मेरे देवर के लड़के के लिए दाल। और ये तो कुंदरी भाजी बन रही थी तब, दिखाया पहले ही झींगा आलू पोस्त तो देखते ही खाने का मन कर रहा है। और ये दाल और ये मछली करी पटल आलू के साथ। तो जी और क्या, चलो अभी पैकिंग की बारी है। टिफ़िन बॉक्स भी रेडी हो चुके हैं, ये देखिए। और टिफ़िन बॉक्स लाएंगे क्योंकि लगेगा, इतने से भी नहीं होगा। ये जी बैठ गए मेरे हस्बैंड जी पैकिंग करने के लिए। अभी सोच रहे हैं कहाँ क्या डालूँ, कहाँ क्या रखूँ, सोच रहे हैं। बना तो लिया बहुत सारे, अभी कितने सारे टिफ़िन बॉक्स लेकर जाएंगे बोलिए। कभी कभी सोचती हूँ कि घर में होम डिलीवरी का बिजनेस चालू कर दूँ। अगर मेरी ड्यूटी ना होती तो चालू कर देती, क्योंकि ये जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना भी बना सकते हैं और मैं हेल्प कर देती। हाँ, तो एक बिजनेस हो जाता ना, नया बिजनेस चालू घर में ही। तो ड्यूटी, मेरी ड्यूटी वो कौन करेगा जी। और अगर आप कोई बिजनेस चालू करो तो ठीक से सब कुछ करना होता है ना, रोज़ आपको ड्यूटी मेंटेन करनी होती है। जिसके घर खाना भेजना है, जिन लोगों को मतलब लोग आपसे खाना लेते हैं, रेगुलर लेंगे, कोई तो बहाना नहीं चलेगा ना कि आपकी तबीयत ख़राब है या ड्यूटी है। कभी कभी मीटिंग चल जाता है बहुत देर तक, घर का ही खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, तो क्या होम डिलीवरी। लेकिन सोचती हूँ कभी कभी मैं अगर कर पाती, नहीं जी सरकारी नौकरी ही ठीक है। टाइम टू टाइम ड्यूटी कर लो, महीने का तनख्वाह आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा। और अगर YouTube पे कुछ कर पाई, उम्मीद तो देखो उम्मीद है, इसीलिए तो YouTube पे आई हूँ ना। डेढ़ साल हो चुके हैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ अभी तक हुआ नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद तो है। तो YouTube पे अगर कुछ हो जाए, मेरा जो चैनल है चल जाए, तो और क्या चाहिए, बस नौकरी और YouTube पे नौकरी, दो दो नौकरी करके मैं आराम से अपने मतलब जो सपने हैं पूरे कर पाऊँगी, यही तो आशा रखती हूँ। और चलो चावल भी डाल दिया इस बड़े वाले डिब्बे में, ये अंडा बच्चे के लिए और ये नमक। तो अभी ढक्कन लगा दो और सब बैग में भर दो। तो प्रीतम के पापा पहले एक जो कपड़े का थैला होता है दिया, मैंने बोला नहीं रास्ते में गिर जाएगा, बहुत वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सब मिलाकर। तो फिर नायलॉन का बैग ही लिए। और अभी चलो और क्या डालना है देखती हूँ। रायता बनाया है प्रीतम के लिए, तो रायता भी रखना है। और ये देखो अलग से पोस्तो झींगा आलू पोस्तो अलग से देना पड़ा, और ये दाल भी बच्चे का दाल भी अलग से देना पड़ा, क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो ख़राब लगेगा ना खाने में, इसलिए। और क्या, अभी चलो रायता भी रख दिया है, अभी ये निकल जाए हॉस्पिटल के लिए जी। चलो आज का वीडियो मैं पेन करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों के पास पहुँच जाए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे सचमुच बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। तो जी प्रीतम के पापा चले गए, मेरे हस्बैंड जी चले गए, और हॉस्पिटल से आने में उनको लेट होगा क्योंकि प्रीतम को लेकर एकदम घर आएंगे मेरे हस्बैंड जी, मेरे देवर और प्रीतम एक साथ घर आएगा, तीन बज जाएंगे। तो उतना देर मुझे तो रहा नहीं जाएगा, तो मैं खाना खा लेती हूँ और सब ढक के साइड में यहीं पे रख दूँगी, जब वो लोग आएंगे तो उनको पर खाना दे दूँगी। चलो बहुत भूख लगी है, अभी अपनी थाली परोस के खा लेती हूँ।